हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी सार कोटा। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि जेई मेंस चालू हो चुका है, हमारे पास ऑलरेडी एक दिन मतलब 24 तारीख का अटेम्प्ट हो चुका है। और वहां पर जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट अभी तक नहीं आई है, जैसा कि होता आ रहा है पिछले कुछ सालों से कि केमिस्ट्री पर ज़्यादा प्रेशराइज के अच्छे क्वेश्चन हमें नहीं देखने को मिल रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस थे जो बहुत ही ज़्यादा आसान, मतलब ईजीएस्ट ऑफ द ईजीएस्ट कैटेगरी में डाले गए थे, जिसको हम लोग आईओसी और पीसी के अंदर कैटेगराइज कर रहे हैं। क्योंकि मैक्सिमम जो ऑर्गेनिक का पार्ट आया है, जैसा कि सब जो स्टूडेंट्स रिएक्शन रहा है, उसमें ऑर्गेनिक ज़्यादा वेटेज में रही है। इसके अलावा ऑर्गेनिक से थोड़े क्वेश्चंस अच्छे भी रहे हैं रिगार्डिंग रिएजेंट, और कुछ मेमोरी बेस्ड भी रहे। लेकिन जो आईओसी और पीसी वाला पार्ट है, वहाँ से जो सवाल है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी आए हैं। तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ, जो कि 25 तारीख के अटेम्प्ट मतलब 24 तारीख के अटेम्प्ट के थे सेशन वन और सेशन टू से। बाकी आप लोगों को आगे आने वाले जो क्वेश्चंस हैं, जो भी आगे अटेम्प्ट्स आते जाएंगे, उनके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मिलते जाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन करना है। वहाँ पर आपको उसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, जो ये क्वेश्चन है इनकी भी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। साथ ही साथ में वहाँ पर आपको बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट देखने को मिल जाएगा रिगार्डिंग सम वीडियोस, एक्सक्लूसिव कुछ वीडियोस हमारी मिनी शॉर्ट सीरीज है केमिस्ट्री की, जो बनाई गई थी आप लोगों के लिए जस्ट एग्जाम से पहले, और वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो रही है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं विथ आर फर्स्ट ईजी क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है। लाइक अगर आपने 11th भी बहुत थोड़ा बहुत भी अगर अच्छे से पढ़ा और कन्फिग्रेशन का नॉलेज है, तो भी आप यह क्वेश्चन कर सकते हो। इसके लिए डी एंड एफ ब्लॉक की बहुत बड़ी नॉलेज नहीं चाहिए। सवाल है, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ मेटल आयन इज 3.87 बोअर्स मैग्नेटॉन, आइडेंटिफाई द मेटल आयन। तो हमें बताना है मेटल आयन कौन है। तो 3.87, सबसे पहले आप ये चीज समझिए कि जो भी म्यू दे रखा होता है उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ एन इंटू एन प्लस टू बोअर्स मैग्नेटॉन, जहां पर एन आपके पास में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो भी वैल्यू आपको दी गई है, आप डेसिमल से जस्ट पहले वाला नंबर देखिए, यही आपका क्या होता है, एन होता है। यानी कि हमारे केस में नॉट एम, हमारे केस में जो एन है दैट इज अनपेड इलेक्ट्रॉन का नंबर, वो कितना है, 3। मतलब हमें 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन ही देखने। अब मैं आपको इस क्वेश्चन का ट्रिक बताता हूँ कैसे सोचना था। जैसे हम लोग बात करते हैं वेनेडियम की, वेनेडियम आपके पास कितना होता है ना, स्कैंडियम फिर टाइटेनियम फिर वेनेडियम, 23। 2 + 3 कितना होता है, 5। 5 में से कितने चले गए, 3, तो कितने बचे, 2। इसका कॉन्फ़िगरेशन आ गया आपके पास D2। क्रोमियम 24, 2 + 4 = 6। 6 में से कितने चले गए, 3, तो कॉन्फ़िगरेशन आ गया D3। Mn2+ 25, 2 + 5 = 7, तो भी कितना आ चुका है, D5, 2 चले गए। और उसके बाद टाइटेनियम 22, 2 + 2 = 4, 2 चले गए, तो D2। ये आ गए आपके पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, हमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3। तो करेक्ट आंसर आ जाता है हमारे पास Cr3+। अगर आप ट्रिक से नहीं भी जाते, तो अगर आप इसको आराम से सॉल्व भी करते, तो भी ये मैक्स टू मैक्स 1 मिनट से ज्यादा का सवाल नहीं होने वाला था। ठीक, सो दिस वाज द फर्स्ट इजिएस्ट क्वेश्चन, जो कि हमारे पास में 24th की शिफ्ट में से था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन H2O2 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगेन ये भी बड़ा सिंपल सा ही एक सवाल था, मतलब ये बहुत बहुत ज्यादा इजिएस्ट क्वेश्चन में थे एक मानता हूं मैं तो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, इसका मतलब खुद का क्या करना चाहेगा, रिडक्शन। खुद का क्या करना चाहेगा, रिडक्शन। तो रिडक्शन करने के लिए क्या करेगा, H2O2 ऑक्सीजन यहां पर -1 में है, खुद का रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन -2 में जाएगा। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जगह रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता, तो फिर ये क्या करता, खुद का ऑक्सीडेशन करता, मतलब ऑक्सीजन गैस देता। 3 ऑप्शन मुझे साफ साफ दिख रहे हैं, यहां ऑक्सीजन मिल रही है, यहां ऑक्सीजन मिल रही है, और यहां पर ऑक्सीजन मिल रही है। ऑक्सीजन मिल रही है मतलब यहां पर जो H2O2 है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। ये गए 3 ऑप्शन, आपके पास बचता ऑप्शन सी, आयरन +2 से +3 में चला गया, ऑक्सीडाइज हो गया, और H2O2 खुद -1 से हाइड्रोक्साइड में -2 में चला गया। ये आ गया अपना आंसर, तो ये आपके पास में आंसर नहीं। तो अगेन दिस वॉज वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन, जो कि 24 तारीख की शिफ्ट में पूछा गया था। इसके बाद भी जो अभी करंट पेपर्स चल रहे हैं, अगर हम लोग करंट शिफ्ट की बात करते हैं 25 तारीख की भी, वहां पर भी बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आए। अगेन सेम ही कंसेप्ट चल रहा है कि जो पीसी है वहां से वेटेज थोड़ा कम चल रहा है, न्यूमेरिकल टाइप में ही पीसी देखने को मिल रही है, और आईओसी और ओसी आपको इंटीजर सिंगल करेक्ट में ज्यादा देखने को मिल रही है। बट अगेन वो क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा टफ नहीं है। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सवाल ये था, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आर, ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ये अगेन बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, जब आपको कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ाया जाता है वहां पर इस सवाल में मतलब आपको बताया जाता है कि टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कौन सी होती है।
टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वो होती हैं जिनके अंदर वॉल्यूम वाला टर्म नहीं होता है, जिनके फॉर्मूले में वॉल्यूम टर्म नहीं होता है वो आपके पास में टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, जिनके अंदर वॉल्यूम का टर्म होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, चाहे वो वॉल्यूम सॉल्यूशन का हो चाहे फिर वो वॉल्यूम सॉल्वेंट का हो। चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी हो सकती है। तो मोल फ्रैक्शन, जैसा कि हम लोग जानते हैं मोल फ्रैक्शन में कोई वॉल्यूम का टर्म नहीं आता है तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। मास परसेंट में कोई वॉल्यूम नहीं है तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। मोलैरिटी आप लोग जानते हैं मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ वॉल्यूम आ चुका है तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। मोलैरिटी मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मैं पूरा फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास है वॉल्यूम नहीं है तो ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है। तो एक दो तीन ppm पार्ट्स पर मिलियन, ये भी वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती है, जनरली मास पे ही चलती है। वॉल्यूम परसेंट में तो लिखा ही वॉल्यूम हुआ है तो ऑब्वियसली ये तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, तो अगेन दिस इज नॉट द करेक्ट वन। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन सा आंसर हो जाएंगे, मोल फ्रैक्शन हो जाएगा, मास परसेंट, मोलैलिटी हो जाएगी और ppm हो जाएगा, इसका मतलब आंसर हो जाएगा आपके पास चार। तो अगेन दिस वॉज ऑल्सो वन ऑफ द इजिएस्ट क्वेश्चन जिसको सिर्फ आपको देखना था, मतलब ये आपके पास शायद 30 सेकेंड से भी कम समय लगना चाहिए इस सवाल के अंदर, मतलब 30 सेकेंड से भी कम। अगला आ जाता है आपके पास में फाइंड द सम ऑफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड एंड पाइरोसल्फ्यूरिक एसिड। पाइरोसल्फ्यूरिक एसिड की अगर आप बात करते हो कैसे बनता है, H2SO4 लिया, डबल किया, पानी यहां से एलिमिनेट कर दिया, तो फॉर्मूला आ जाता है H2S2O7 जो कि ओलियम होता है। और पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड अगर आपको बनाना था तो जिसने पाइरो बना लिया था उसके लिए तो और आसान था, H2S2O8 ही करना था, बस इतना सा काम था। स्ट्रक्चर्स की बात करोगे तो बड़ा ही सिंपल सा होता है, एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ ओ ओ, एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ ओ एच और यहाँ पर ओ एच, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। और अगर उसका स्ट्रक्चर बनाना है तो ये जो तुम्हें पर ऑक्सी लिंकेज देखने को मिल रहा है, यहाँ पर जो पर ऑक्सी लिंकेज देखने को मिल रहा है इस पर ऑक्सी लिंकेज को तुम हटाओ, ये आ गया। और पूछा वैसे भी बड़ा सिंपल सा ही सवाल था, सम ऑफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स ही बनाने थे। तो अगर आप लोग थोड़ा सा भी सोचते कि सल्फर के एसिड्स की बात चल रही है तो यहाँ पर एक पाई यहाँ, एक पाई यहाँ, एक पाई यहाँ, एक पाई यहाँ, तो इसमें तो चार हो गए प्लस बगल वाले में भी चार हो गए, कितने हो गए 8। तो टोटल आपके पास कितने पाई बॉन्ड्स थे, टोटल आपके पास 8 पाई बॉन्ड्स देखने को मिले थे, 4 एक कंपाउंड में और 4 दूसरे कंपाउंड में, तो टोटल आ जाता है 8। अगला इजिएस्ट सवाल, इसमें थोड़ा सा बस थोड़ा सा जो मैं कह सकता हूँ हल्का सा बदलाव करा है, बाकी फॉर्मूला पूछा है। बोला गया है पीके ऑफ लैक्टिक एसिड इज 4, फाइंड पीएच ऑफ 0.05 कैल्शियम लैक्टेट। बस इसमें इतना सा दिमाग लगाना था, सी ए एल ए सी होल ट्वाइस, ये टूटेगा सी ए 2 प्लस प्लस 2 एल ए सी 2 माइनस के अंदर, नॉट 2 माइनस, माइनस 1, सही है। बस इतना सा ही दिमाग लगाना था और इसके अलावा कुछ नहीं लगाना था। फॉर्मूला आपके पास सिंपल सा होता है, पीएच बराबर 1/2 पी के डब्ल्यू प्लस पी के ए प्लस लॉग ऑफ सी। सो दिस इज बेसिकली अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। पीएच आपको शायद दिया हुआ है, पीएच ही पूछा है, ओके पीएच ही पूछा है 1/2, पी के डब्ल्यू हम जानते हैं ये 14 ही रहता है, ये जनरली चेंज नहीं किया जाता है, पी के दिया हुआ है 4, लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी। यहाँ पर इतना सा ध्यान रखना था कि जो तुम कॉन्सेंट्रेशन रखते हो किसकी रखते हो, एनायन की, तो जब सॉल्ट टूटेगा तो यहाँ कितना था 0.05, यहाँ से इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 0.05 × 2, यानी कि हो जाएगा 0.01। बस आपको इतना सा ध्यान रखना था, 0.01 का मतलब 10^-2, आगे कूदेगा 14 + 4 = 18 में से 2 चले गए, कितना बचा 16/2 यानी कि 8। ऑब्वियसली ये एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है तो ऐसा आना चाहिए था। इनफैक्ट एक और क्वेश्चन आया था जो अभी हमारे पास नहीं है, पर एक सवाल आया था जो बफर से रिलेटेड था और बड़ा ही सिंपल सा ही सवाल था, जहां मेरे ख्याल में पीएच दिया हुआ था पीके प्लस सॉल्ट अपॉन एसिड, फॉर्मूला यही लगाना था आपको, हेंडरसन इक्वेशन ही लगानी थी जो फर्स्ट शिफ्ट था 24th का, उसमें आया था। यहां पर आपको पीएच दिया हुआ था, आपको बाकी सारी चीजें दी हुई थी, सिर्फ ये पूछा था। इनफैक्ट इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ और सिर्फ आपको सारा डेटा सब्सटीट्यूट करना था, इससे ज्यादा आसान सवाल नहीं आ सकते। अभी तक के ये वन ऑफ द इजिएस्ट क्वेश्चन है जो कि पूछे जा चुके हैं अभी तक जितने भी अटेम्प्ट हमारे पास हुए हैं, ठीक। तो और भी ऐसे क्वेश्चंस हम लोग लाते रहेंगे। इसके अलावा अगर आपसे मैं बात करता हूँ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की जो आपके पास में हमेशा आते हैं, अगर मैं पीसी के लिए बोलता हूँ तो लिक्विड सॉल्यूशन से आया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आया, काइनेटिक्स से आया, कोऑर्डिनेशन से आया, केमिकल बॉन्डिंग से आया। अगर हम बात करते हैं 11th में आयनिक इक्विलिब्रियम से आ ही रहे, दोनों शिफ्टों में आपके पास सवाल आ चुके हैं। अगर 24th की बात करें,
ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आज की तारीख में अगर पीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। आईओसी में मेटलर्जी पी ब्लॉक पे अभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, एस ब्लॉक से सवाल आ चुके हैं, केमिकल बॉन्डिंग से भी सवाल आ चुके हैं, मेटलर्जी से भी आ चुके हैं, और ओसी में थोड़ा ज्यादा सा मतलब कह सकते हो झुकाव रहा है, ओसी में नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा रहे, वेटेज ज्यादा रहे और सवाल भी थोड़े अच्छे से रहे, ठीक है। बाकी इसका जो लिंक है आप इसका जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम आप चैनल आपको ज्वाइन करना है, बाकी चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि ऐसे वीडियोस अब आपके पास आते रहने और भी कुछ नया इंटरेस्टिंग चीज़ें आपके पास मिल जाएगी, लाइक हमारे पास में जो मिनी शॉर्ट सीरीज है वो आपको देखने को मिलेगी, हमारे लेक्चर वीडियोज हैं वो भी कुछ आपको देखने को मिल जाते हैं पर्टिकुलर टॉपिक के, तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी जो भी लोग अब एग्जाम देने वाले जिनका आगे शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है उन सब के लिए ऑल द बेस्ट।